दोस्तों, टीम इंडिया को जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ अपनी धरती पर वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच भारतीय सरजमी पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ इस लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के चेन्नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। श्रीलंका के खिलाफ इस लिमिटेड ओवरों की सीरीज को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल भारत की T20 टीम से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारत का नया T20 कप्तान बनाया जा सकता है। इनसाइड स्पोर्ट के मुताबिक दिसंबर में अपॉइंट होने वाली नई सिलेक्शन कमेटी श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन करेगी। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, दिनेश कार्तिक और KL राहुल को T20 टीम से बाहर किया जा सकता है। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट को एक बड़ी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम अब T20 फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में कुछ बड़े खिलाड़ियों को T20 टीम से बाहर रहना पड़ सकता है। अधिकारी ने कहा, BCCI ने पहले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस बारे में बता दिया था। BCCI अधिकारी ने संकेत दिया कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करेंगे। तो दोस्तों, BCCI के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।